इसे हम कहते हैं दिस इज फ्री वेक्टर और दिस इज फ्री वेक्टर और फिक्स्ड वेक्टर। एक दूसरा पढ़ेंगे हम फिक्स्ड वेक्टर या लोकलाइज्ड वेक्टर। देखिए जी, लोकलाइज्ड और फ्री वेक्टर किसे कहते हैं? लोकलाइज्ड वेक्टर किन्हें कहते हैं? तो आंसर है लोकलाइज्ड वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिन वेक्टर के मैग्नीट्यूड, जिन वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो स्पेसिफाई होता है कि हमें फोर्स लगानी है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगानी है और एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड की फोर्स लगानी है। तो फोर्स भी स्पेसिफाई है, मैग्नीट्यूड भी स्पेसिफाई है, मैग्नीट्यूड भी स्पेसिफाई है, डायरेक्शन भी स्पेसिफाई है, लेकिन फोर्स और इस मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें उसकी उसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को भी स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो ये वो वाले वेक्टर होते हैं जो किसी एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे काम करते हैं। जैसे कि ध्यान से समझिए, सपोज टू बी अगर मैं एक इस वाली बॉडी पे यहां से इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता हूं, ये एक बॉडी है दिस इज सपोज टू बी, और इस बॉडी पर मैं इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता हूं, तो हम ये देखते हैं कि दिस बॉडी स्टार्ट मूविंग। यहां से इस बॉडी पर हमने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, 10 न्यूटन की मैंने फोर्स लगाई इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में, तो हम ये देखते हैं ये बॉडी इस डायरेक्शन में सीधा चलना शुरू हो जाती है। लेकिन जब उतनी ही फोर्स को, जब मैं उतनी ही फोर्स को इसके टिप्स पे लगाता हूँ, इसके टिप पे लगाता हूँ और इसी डायरेक्शन में लगाता हूँ, तो मैं देखता हूँ ये बॉडी इस तरह से ड्रॉप हो जाती है। जब मैं इतनी 10 न्यूटन की फोर्स को इसी बॉडी पर इस डायरेक्शन में लगाता हूँ तो बॉडी में लीनियर मोशन होता है। जब मैं इतनी फोर्स को इसी डायरेक्शन में इसके टिप पे लगाता हूँ तो इस बॉडी में रोटेशनल मोशन चालू हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, जिनकी डायरेक्शन सेम है, लेकिन उनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब जहां ये वेक्टर काम कर रहा है वो दोनों पॉइंट उस बॉडी में अगर अलग अलग हैं तो दोनों के इफेक्ट बदल जाते हैं। तो ऐसे वेक्टर कि अगर ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो लेकिन दोनों का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिफरेंट होने से उनके इफेक्ट बदल जाते हैं, ऐसे वाले वेक्टर को हम क्या कहते हैं? दिस वन वेक्टर इज नोन एज क्या? अनलोकलाइज्ड वेक्टर। क्या कहते हैं? अनलोकलाइज्ड। लेकिन अगर मैं इसी बॉडी को, इसका मतलब ये होगा कि मैं यहां से फोर्स लगाऊंगा तो बॉडी का लीनियर मोशन होगा, यहां लगाऊंगा तो बॉडी का वो वाला मोशन होगा ही नहीं। लेकिन मैं अगर लीनियर मोशन जब भी चाहता हूं तो मुझे हमेशा मेरी फोर्स को जो 10 न्यूटन की मैं लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में हमेशा एक फिक्स पॉइंट पर ही लगाना पड़ेगा। जब तक मैं इस फिक्स पॉइंट पर लगाऊंगा नहीं तब तक मुझे वो पर्टिकुलर इफेक्ट मिलेगा नहीं। तो इसका मतलब फिक्स वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उनकी डायरेक्शन और उनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कि जहां पर तुम्हें फोर्स लगानी है, जहां पर उस वेक्टर का इफेक्ट है, उस पॉइंट पर ही जब तुम इसको इफेक्ट को दोगे तभी वो मोशन हमें एक, वो बॉडी हमें एक पर्टिकुलर एक इफेक्ट देगी, अदरवाइज उसके इफेक्ट बदल जाएंगे। तो ऐसे वाले वेक्टर क्या कहलाते हैं? लोकलाइज्ड वेक्टर। तो बेसिकली फोर्स क्या हमारे लोकलाइज्ड वेक्टर है, और फिजिक्स में बहुत कम देखने को मिलते हैं ऐसे वेक्टर, लेकिन यू मस्ट टू बी रिमेंबर इनका मतलब क्या होता है। तो फिक्स वेक्टर वो वेक्टर जिनकी, जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फिक्स हैं, दोनों एक ही हैं, मैग्नीट्यूड भी वही है, डायरेक्शन भी एक है, लेकिन उसके साथ साथ हमेशा उनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी सेम होना चाहिए। जब तक मैं उस पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम लूंगा नहीं तब तक वो वाला मुझे इफेक्ट मिलेगा नहीं। इसी तरह से अगर मुझे कोई रोटेशनल मोशन करने के लिए बोलता है तो मैं फोर्स को नीचे नहीं लगाऊंगा, मैं फोर्स को ऊपर लगाऊंगा, ये बॉडी इस तरह से ड्रॉप होना शुरू होती है। इसी को हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज क्या? लोकलाइज्ड वेक्टर। मतलब फिक्स है, उस वेक्टर को वहीं लगाओगे तो ही वो काम करके देगा वो वाला पर्टिकुलर, अदरवाइज वो काम करके नहीं देगा। इसी तरह से फ्री वेक्टर किन्हें कहते हैं? फ्री वेक्टर वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड और जिनकी डायरेक्शन तो बिल्कुल फिक्स होती है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उनका मैग्नीट्यूड है, एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड है और एक पर्टिकुलर उनके डायरेक्शन, लेकिन उसको हम कहीं भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कहीं भी ट्रांसफॉर्म का मतलब कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह हम उसे डिस्प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि देखो, ये एक बॉडी, ये हमारा सपोज टू बी एक ग्राफ है, अगर मैं बात करूं ये हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर मेरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और ये एक बॉडी की वेलोसिटी है, तो यहां से हम देखेंगे तो इस बॉडी की वेलोसिटी कैसी है? यूनिफॉर्म है। तो ये एक बॉडी की वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, और मान लो वो वेलोसिटी है इसकी 5 मीटर पर सेकेंड, किधर? इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये इस बॉडी की वेलोसिटी है, 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 ये इस बॉडी की वेलोसिटी है,
तो क्या आप मुझे बता सकते हो कहां पर इसकी वेलोसिटी ज्यादा है? आंसर है सब जगह एक बराबर है, इसका स्लोप हर बार एक जैसा है। जो डायरेक्शन इसकी थी वही डायरेक्शन इन सब की भी है। इसका मतलब मैं इस वाले वेक्टर को, इस डिस्प्लेस वाले वेक्टर को, वेलोसिटी वेक्टर को मैं चाहे यहां बनाऊं, चाहे यहां बनाऊं, चाहे यहां बनाऊं, चाहे यहां बनाऊं, इस स्पेस में कहीं भी मैं इसको उठा के कहीं भी रख दूं, लेकिन मुझे इसका मैग्नीट्यूड और इसके डायरेक्शन को बिल्कुल स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जो इसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पहले थे वही मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मुझे अभी भी लेने पड़ेंगे। ऐसे वाले वैक्टर जिनको हम नेचर में स्पेस में कहीं भी उठा के कहीं भी रख सकते हैं, बट उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन शुड नॉट बी चेंज। ऐसे वैक्टर क्या कहलाते हैं हमारे? दिस इज नोन एज क्या? फ्री वैक्टर। और हम फिजिक्स में 99% यही पढ़ते हैं फ्री वैक्टर के बारे में। और लोकलाइज वैक्टर वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड और जिनकी डायरेक्शन तो फिक्स होती है, लेकिन उनका एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी फिक्स होता है। जैसे कि एक एग्जांपल और, अगर मैं तुमसे बोलता हूँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर, अगर मैं पोजीशन वेक्टर की बात करता हूँ तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि अगर मैंने बोला कि यहाँ से दिल्ली से मेरठ 100 किलोमीटर है, तो 100 किलोमीटर बताने के लिए मैंने कहाँ से बताया? एक फिक्स पॉइंट से बताया, सपोज टू बी दिल्ली है, तो दिल्ली से मेरठ अगर मैं बता रहा हूँ तो दिल्ली एक पॉइंट फिक्स है जहाँ से मेरठ का डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर का और इस डायरेक्शन में है। लेकिन अगर मैं इस फिक्स पॉइंट को यहाँ ना उठा के मैं इस फिक्स पॉइंट को यहाँ से इस डायरेक्शन बना दूँ, तो क्या मेरा दिल्ली से मेरठ का डिस्टेंस 100 किलोमीटर का है या नहीं? तो आंसर, अगर मैं यहीं से शुरू करूंगा तो मेरठ कितने का हो गया? 0 पॉइंट का हो गया, तो मेरठ का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। तो इसका मतलब यहां से इफेक्ट अलग था, इस पॉइंट से इफेक्ट अलग है। तो दिस इज नॉन एज क्या? फिक्स वैक्टर। फिक्स मतलब लोकलाइज वैक्टर कहलाते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? दिस इज नॉन एज क्या? फ्री वैक्टर। तो फ्री वैक्टर आर दोज वैक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड द सेम डायरेक्शन बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म एनीवेयर। दीज आर द वैक्टर having same magnitude and direction, magnitude कैसी होनी चाहिए? same and if and a particular direction should not be changed and transform या डिस्प्लेस एनीवेयर इन स्पेस, कहीं भी ले जा सकते हो। क्या कहलाते हैं हमारे? दिस इज नोन एज क्या? फ्री वेक्टर। लेकिन लोकलाइज्ड वेक्टर वो होते हैं हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दो वेक्टर है, अगर दोनों को दोनों सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन के हैं तो, बट मैग्नीट्यूड हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बट हैविंग फिक्स्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अगर सेम एप्लीकेशन पे होगा तो ही वो काम करके देगा। ये एक बॉडी है, ये ग्राउंड है, अगर मैं इस बॉडी पर इस डायरेक्शन में एक 10 न्यूटन की फोर्स लगाता हूँ और इस डायरेक्शन में, तो ये बॉडी यहाँ से चल के यहाँ पे आ जाती है इस डायरेक्शन में। लेकिन अगर मैं उतनी फोर्स को यहाँ से लगाता हूँ, ऊपर से लगाता हूँ और इसी डायरेक्शन में लगाता हूँ, तो हम ये देखते हैं ये बॉडी यहाँ से ऐसा ड्रॉप होना शुरू हो जाती है, ऐसा गिरना शुरू होती है। जैसे एक अलमीरा है, इस अलमीरा के टॉप से हम फोर्स लगाते हैं तो अलमीरा आगे की तरफ झुकना शुरू हो जाती है। तो जितनी फोर्स हमने टॉप पर लगाई, टॉप पर हम जितनी फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में, उसके इफेक्ट से ये अलमीरा गिर जाती है। लेकिन जब उतनी फोर्स को हम कहीं किसी एक बीच में पॉइंट पर लगाते हैं और इसी डायरेक्शन में, तो अलमीरा चलना शुरू होती है। तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से, वो पॉइंट जहाँ पे तुम इस फोर्स को अप्लाई कर रहे हो, उस वेक्टर को अप्लाई कर रहे हो, उस पॉइंट के बदलने से उनके इफेक्ट बदल जाते हैं। तो हमें एक पर्टिकुलर इफेक्ट के लिए उस वेक्टर को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही लगाना पड़ेगा, तभी हमें एक जैसा इफेक्ट मिलेगा। वो हमारे क्या कहलाते हैं? लोकलाइज्ड वेक्टर कहलाते हैं।